केदारनाथ में आज सावन के चौथे सोमवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्त लंबी कतार में खड़े रहे और ये सभी यात्री 18 किलोमीटर के कठिन रास्तों को पार कर बाबा के दर पर पहुंचे थे। केदार घाटी में मौसम खराब होने के कारण हवाई सेवाएं बंद हो गई हैं, लिहाजा जो श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं वो सभी पैदल यात्रा कर यहां आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि केदारनाथ के लिए हवाई सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, अभी भी केदारनाथ धाम के लिए एक हेली सेवा मौजूद है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण यह सेवा कभी कभार ही उड़ान भर पाती है। वहीं केदारनाथ में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 9,75,000 से अधिक भक्त केदार बाबा के दर्शन कर चुके हैं और मौसम खराब होने के कारण रोजाना केदारनाथ आने वाले भक्तों की संख्या में कमी आ गई है। लेकिन ये कमी इतनी ज़्यादा भी नहीं है, अभी भी बाबा के दर पर रोजाना 2,000 से 3,000 यात्री दर्शन के लिए आ रहे हैं। वंदे देव मां पतिम सरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशुराम पतिम वंदे सूर्य सांग वन्य नयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे वक्त्रनाशिनम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। जो व्यक्ति इस सावन के माह भगवान शंकर को जलाभिषेक करता है और भगवान शंकर की पूजा अर्चना और अभिषेक करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप पूर्ण हो जाते हैं और वह जन्म जन्मांतर के सुखों का भोग करता है। देखिए, एक बार भगवान विष्णु जी ने भगवान शंकर जी को सहस्र कमल चढ़ाने का निश्चय किया और भगवान शंकर को बस सहस्र कमल चढ़ा रहे थे। कमल चढ़ाते चढ़ाते एक ब्रह्म कमल कम पड़ गया, एक पुष्प कम पड़ गया और भगवान विष्णु ने देखा कि एक कमल कम हो चुके हैं, तो उन्होंने अपना नेत्र निकाल कर भगवान शंकर को अर्पित किया। इतने में ही भगवान शंकर जी ने बड़े प्रसन्न होकर कहा कि जो भक्त मेरी पूजा को मन धन से करता है उसे मैं जन्म जन्मांतर के पापों को दूर करके साक्षात शिवलोक को प्राप्त करवाता हूँ। केदारनाथ यात्रा के लिए अभी 2.5 महीने से अधिक का समय बचा हुआ है, ऐसे में यात्रियों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वह ऐसे क्योंकि अब मानसूनी बारिश कुछ दिनों के बाद थम जाएगी, जिसके बाद यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, केदारनाथ में पहली बार ऐसा हुआ है जब मानसून सीजन में 1,00,000 से अधिक यात्री केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे हैं। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट।